Good afternoon, students. आप सभी तो क्वेरीज क्लियर जा रही है। प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसमें हम एक टेबल बनाएंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ भी नया होगा तो उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। मैं डेटाबेस को इनेबल किया, इसके बाद एक टेबल बना दे रहे हैं, क्रिएट टेबल। मान लीजिए अब इससे एक नेम से टेबल बनाई और उसमें हम फील्ड ले रहे हैं, ड्रिंक कोड, इंटीजर, ड्रिंक नेम, कैरेक्टर है ये, प्राइस ले रहे हैं इंटीजर और कैलोरीज ले रहे हैं इंटीजर। ये हमने एक टेबल बना दी। डिस्क्राइब करेंगे इस टेबल को, DESC। टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो जाएगा जो आपके सामने है। अब इसके अंदर कुछ डेटा देते हैं हम। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, अभिषेक, वैल्यूज, वैल्यू देनी है। सबसे पहले ड्रिंक कोड देना है, तो हमने 101 दिया या 1 दिया। ड्रिंक नेम देना है, हमने कहा फ्रूटी। डबल कोट्स में प्राइस हमने कहा भाई 50 रुपीज। कैलोरीज सपोज दैट 120। ये डेटा हो गया पहला। ऐसे ही सेकंड डेटा हमने दिया, एट्टी कर दिया, यहां पे मेरिंडा कर दिया और यहां पे 2 कर दिया। सेकंड हो गया। थर्ड डेटा देना चाहा तो थर्ड में हमने चेंजेस किए, कैलोरी, प्राइस सपोज दैट 20 रुपीज। कोको कोला लाइक दिस हमने दिया। नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू, हमने कहा 140, प्राइस है इसका 25 रुपए, नेम है ग्रीन मैंगो, 10 कैरेक्टर का दिया है, आई होप हो जाना चाहिए, 5 5 10 ठीक है आ जाना चाहिए, लेकिन स्पेस दे दिया है तो शायद एक कैरेक्टर स्पेस का हो जाएगा, लेकिन इसको एक ही में लिख देते हैं, यहाँ पे 4 दे देते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया, 4 रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ही इंसर्ट इनटू वैल्यू 5। नेक्स्ट लिखते हैं आम पन, आम पना। नेटवर्क का थोड़ा इशू है यहाँ पर, 12 रुपए का
कैलोरीज मान लीजिए है 135, ये डेटा हो गया। नेक्स्ट है 6, और इसमें दिया हमने एप्पल ड्रिंक, मैदन 55 रुपीस का है, कैलोरीज 125 है। ये हमने इतना डेटा दिया है और हमारी क्यूरी है कुछ, वो क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले नेम एंड ड्रिंक कोड ऑफ दीज ऑफ दोज ड्रिंक दैट हैव मोर देन 120 कैलोरीज, पहला है। दूसरा है टू डिस्प्ले ड्रिंक ड्रिंक कोड्स नेम एंड कैलोरीज ऑफ ऑल ड्रिंक इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीज। थर्ड क्वेश्चन है टू डिस्प्ले नेम एंड प्राइस ऑफ ड्रिंक बहुत अच्छी बात है रवि, अच्छी बात, अच्छा प्रयास आप लोगों का। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं इसपे नेम एंड प्राइस ऑफ ड्रिंक That have price in range हमने दिया है 25 to 50 both will include and last question is increase the price of all drink अच्छा प्रयास है युवराज, बहुत अच्छी बात, तो सही है। इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल ड्रिंक इन गिवन टेबल बाय 10%, ये आपका क्वेश्चन है। आप लोगों ने प्रयास भी किया है और अच्छा प्रयास है, इसी को रन करके देख लेते हैं। पहला है तो डिस्प्ले नेम एंड ड्रिंक कोड ऑफ दोज ड्रिंक दैट हैव मोर देन 120 कैलोरीज, तो नेम और ड्रिंक कोड ही
नेम एंड रिंग कोड ही देना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट ड्रिंक कोड डी नेम फ्रॉम अभिषेक वेयर कैलोरीज ग्रेटर देन 120। इसमें कमांड चला रहे हैं, रवि सही है बिल्कुल। इसमें बिटवीन कीवर्ड भी ले सकते हैं, बिटवीन कीवर्ड भी ले सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, उस तरीके से भी हो सकता है, एक बिटवीन कीवर्ड यूज होता है। सेलेक्ट ड्रिंक कोड कॉमा डी नेम फ्रॉम अभिषेक वेयर कैलोरीज ग्रेटर देन 120। ये पर्टिकुलर डेटा आपके सामने आ जाएगा, ड्रिंक कोड और डी नेम, जिनकी कैलोरी जो है पूरा टेबल देख लीजिए पहले, फिर उससे मैच करेंगे। तो जिनकी कैलोरी 120 से ऊपर है वो सब आए हैं, इनमें कोको कोला बस छूट गया है, 120 से ऊपर में नहीं, 120 ही छूट जाएंगे, सिर्फ 140, 135, 125 वाला ही आया है, 456। क्लियर है सभी को, जितने लोग ऐड हैं? अच्छी बात है। अभिषेक तिवारी जी माइक पे आइएगा। अभिषेक तिवारी सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ बेटा, कहाँ थे आप, में आते ही नहीं हो क्लास में? यस सर, अभी सर थोड़ा मतलब घर पर थोड़ा बिजी थे, फिर नहीं आ पाया सर, अब एक बार आ गया। चलो ठीक ठीक, नोट्स ले लीजिएगा किसी से, उन्हें भेजा था जो आपको शायद मिला हो। यस सर, वो लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके सर। सेकंड देखते हैं, सेकंड है ड्रिंक कोड नेम और कैलोरी डिस्प्ले कराना है सभी ड्रिंक की, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैलोरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है, जिसमें ऑर्डर वही लगेगा, आप लोगों ने आंसर भी दिया था। इसमें लिखेंगे सेलेक्ट डी नेम और ड्रिंक कोड, टेबल का नाम सॉरी फील्ड का, ड्रिंक कोड और कैलोरीज फ्रॉम अभिषेक, मतलब डिस्प्ले करे यानी सेलेक्ट करे डी नेम ड्रिंक कोड कैलोरीज कहां से, अभिषेक टेबल से, वेयर क्लास जहां पर, सॉरी कंडीशन नहीं है यहां पर, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई यानी अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इस टेबल के बाद जस्ट ऑर्डर बाई लगेगा, ऑर्डर बाई किसके, कैलोरीज के, तो कैलोरीज के अकॉर्डिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यानी 115 पहले, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है तो डीईएससी लगा देंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा 140 वाला, फिर 135 वाला, फिर 125 वाला, फिर 120 वाला, फिर 115 वाला, डिस्प्ले हो जाएगा लाइक दिस। ये सॉर्ट हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हमको ऑर्डर बाई कमांड चलाना पड़ता है, तो ऑर्डर बाई में हमें आगे ऑर्डर बाई के आगे एक कॉलम नेम देना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ कैलोरी नाम दिया, कैलोरीज हमारा एक फील्ड नेम है,
हमारी एमसीक्यू टेबल में, तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हैं। और आगे डी एस सी लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, अगर नहीं लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, क्योंकि ए एस सी बाय डिफॉल्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सभी को? अच्छी बात। अभी आ रही है मानसू वाजपेयी जी, अभी आ रही है क्लियर? एक्चुअली हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है टू डिस्प्ले नेम एंड प्राइस ऑफ ड्रिंक, सिर्फ नेम कॉलम, डी नेम और प्राइस डिस्प्ले कर रहे हैं सभी ड्रिंक का, जिनकी प्राइजेस जो है 25 से 50 के बीच में। आप कुछ इस तरह लिखेंगे, सेलेक्ट डी नेम कॉमा प्राइस, हमको सिर्फ दो फील्ड डिस्प्ले करानी, यानी दो कॉलम डिस्प्ले करानी है। फ्रॉम अभिषेक, अब यहाँ कंडीशन होती है कि भाई 25 से 50 के बीच में ही डिस्प्ले कराने, ये कंडीशन है। जहां भी कंडीशन लगती है वहां वेयर क्लास लगता है। वेयर सेलेक्ट करें डी नेम प्राइस कहां से? अभिषेक टेबल से, जहां पर, वेयर का मतलब जहां पर प्राइस बिटवीन किसने के हो, प्राइस बिटवीन 25 एंड 50। ऐसे भी कर सकते हैं रवि, आपने जैसा किया था वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही डिस्प्ले होंगे, क्योंकि इस रेंज में सिर्फ दो ही हैं। रवि आपने ऐसा कुछ किया था, बेयर प्राइस greater than 25 and price less than equals to 50, शायद ऐसे किया था आपने, तो ये कंडीशन आएगी। तो इसमें क्या करेगा, एंड नहीं लगेगा यहाँ, और लगेगा रवि जी, क्योंकि एंड में क्या करता है, दोनों कंडीशन ट्रू मानता है, तो प्राइस या तो 25 हुआ या तो 50 हुआ, एक ही होगा, ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, इसलिए लास्ट की कंडीशन ले लेगा। तो यहां पर और लगा सकते हो आप, और लगाने पे आई हो जाना चाहिए। लेकिन बुट प्राइस 25 और प्राइस देता 20 ले रहे हैं, और कंडीशन में नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, प्राइस ग्रेटर देन 25 और प्राइस लेस देन 50, ये सही नहीं होगी कंडीशन, क्योंकि प्राइस ना वो 50 से कॉमा नहीं लगाना, कॉमा नहीं लगता बेटा, प्राइस ग्रेटर देन इक्वल 55, तो ठीक है आपकी बात, आपकी बात ठीक है, ग्रेटर कर देंगे, लेकिन ये मतलब इसका ये हुआ कि प्राइस 25 से ऊपर हो या प्राइस 50 से नीचे हो, ये बात कर रहा है। तो इसमें ये 20 वाले को भी ले रहा है, तो 50 से नीचे हो, ये दोनों कंडीशन देखिएगा, और का मतलब अथवा होता है। अगर प्राइस ग्रेटर हो 25 से या प्राइस नीचे हो 50 से, तो
50 नीचे तो सारे मिल जाएंगे उसको, कोई भी एक बताइए। ये बात समझ में आ रही है क्यों, और क्यों किया हमने ऐसा? तो और एंड ना लिख के यहाँ बिटवीन कीवर्ड ज्यादा बेटर होगा। बिटवीन एक कीवर्ड होता है जिससे हम एक बीच की वैल्यू निकालते हैं। अगर एंड लगाते भी हैं is greater than equals to 25 and is less than 50, इस कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि greater than equal नहीं लगाया था हमने, इस कंडीशन में आ जाएगा। हमने equal नहीं लगाया होगा 25 में, yes। यहाँ पे और ना लगा के and लगा सकते हैं। आप इस कमांड से रन कराएं, आप between से रन कराएं, बात एक है, क्योंकि दोनों कमांड सामने हैं आपके, चाहे आप बिटवीन से करा लें चाहे आप ऊपर वाली कंडीशन से करा लें एंड ऑपरेटर लगा के, दोनों से पॉसिबल है। बताइए सभी को क्लियर है? ओके तिवारी जी, आपके इस ट्रीटमेंट में वीडियो जो पहले हमने रिकॉर्डिंग की थी वो गई होगी, अब आई हो आप आज ज्वाइन किए हो तो पता नहीं पिछली होगी कि नहीं होगी, उसमें पिछले अकाउंट्स में आपके यहाँ नहीं गई होगी क्योंकि ज्वाइन आप आज हुए हैं। देख लीजिएगा फिर से जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग चली जाती है, वो 4-5 घंटे के अंदर सभी के अकाउंट में शो हो जाती है। अभी नहीं आ रही वॉइस? अब आ रही है क्या? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसका था इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल ड्रिंक इन गिवन टेबल बाय 10% इंक्रीज करना है सभी में। तो जब भी इंक्रीज की बात होती है तो हम अपडेट कमांड चलाते हैं, अपडेट कमांड। इसी वैल्यू में अगर हमें इंक्रीज करना है तो अपडेट कमांड होता है, तो आप लिखेंगे अपडेट, अपडेट टेबल का नेम, सेट एक कीवर्ड होता है, अपडेट टेबल का नेम, सेट सेट करिए क्या था? प्लस 0.10 इंटू प्राइस, सेट ऑफ 6 सेट प्राइस एक प्राइस छूट गया, प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस 0.10 इनटू प्राइस। ये देखिए चेंज हो गया है। अब आप सेलेक्ट एस्ट्रिक कमांड चलाओगे सभी में प्राइस 10% इंक्रीज हो गया है। देखिए फ्रूटी 50 रुपीज की थी, उसमें 5 ऐड हो गया क्योंकि 10% इंक्रीज हो गया है। आप ऊपर देखेंगे टेबल को तो देखिए फ्रूटी का प्राइस 50 है, मिरिंडा का 80 है, कोका कोला का 20 है, और इसमें देखेंगे तो चेंजेस हैं 55, 88, 22, इन सभी में 10% इंक्रीज हो गया है। अपडेट कमांड्स ने लिखा अपडेट अभिषेक सेट प्राइस प्लस सेट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस
माइन 10 इनटू प्राइस, इससे 10% ऐड हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है? अच्छी बात है। अब अगर हम चाहते हैं कि सभी प्राइस का टोटल हो जाए, जितने भी प्राइस हैं उनका टोटल हो जाए, तो हम चला सकते हैं सेलेक्ट सम, किसका, प्राइस का, सेलेक्ट सम एग्रीगेट फंक्शन है सम, एक कल बताए थे हम आपको, मतलब बिफोर स्टडी। तो सम क्या करता है, ऐड कर देता है सभी को जो हम उसके ब्रैकेट में देते हैं, तो प्राइस फ्रॉम टेबल का नेम, तो ये सभी पर्टिकुलर प्राइस का टोटल करके हमको एक कॉलम में दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा, ये सम फंक्शन है। एक फंक्शन हमने बताया था काउंट करने का, हम काउंट करना चाहते हैं जिनके प्राइस 80 से कम हो या 50 से कम हो, जिनके प्राइस 50 से कम हो, सिर्फ उनको काउंट करना चाहते हैं कि हाउ मेनी रोज आर देयर हूज प्राइस इज लेस देन 50, इसको काउंट करना चाहते हैं। वो बता दे कि दो रो ऐसी हैं, थ्री रो ऐसी हैं, तो हम काउंट फंक्शन लगाएंगे, हम लिखेंगे सेल सभी को वेयर प्राइस कॉन्टेस्टिंग वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन या इज लेस देन 50। अभी तो शो हो रही होगी, इस समय शो हो रही होगी, ओके। अच्छा, उसने टेबल का नेम नहीं दिया हमने, तो देखिए थ्री रो ऐसी हैं जिसमें वैल्यू 50 से ऊपर है, काउंट कर दिया, आप देख सकते हैं टेबल में कि किसकी, किसके प्राइस 50 से ऊपर है, सिर्फ उन्हीं को काउंट किया है, कोको कोला को काउंट किया है, ग्रीन मैंगो को काउंट किया है और आम पन्ना को काउंट किया है। सिर्फ थ्री रो ऐसी हैं जिनमें 50 से ऊपर प्राइस, 50 से नीचे है प्राइस या उसके इक्वल है, तो इक्वल कोई है ही नहीं है, 50 से नीचे ही है सर। बताइए क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। आपका वर्क है, आप अपनी बुक में देखिएगा, एसक्यूएल में पीछे देखिएगा, बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई होंगी, टेबल बनी होगी और उस टेबल के नीचे कुछ एसक्यूएल के स्टेटमेंट के क्वेश्चन लिखे होंगे, जैसे मैंने भी नोटपैड पे लिखा था, तो आप उन टेबल्स को देख के उसके नीचे जो क्वेश्चन लिखे होते हैं उनको करने का प्रयास करिएगा, किसी एक एक्सरसाइज को, और फिर हमको वो टेबल और उसका जो स्टेटमेंट आपने लिखा है क्वेश्चन उसका आंसर वो हमको भेजिएगा, यही आपका होमवर्क है। एक एक्सरसाइज आपको करनी है, उसके क्वेश्चंस के कमांड यानी उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट लिख के हमको भेजने हैं, साथ में क्वेश्चंस भी भेज दीजिएगा, क्वेश्चन क्या थे, ठीक है? और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आपसे कल मिलेंगे सेम टाइम पे, ठीक है बेटा? ठीक है, अच्छा लगा होगा शायद क्लास, क्योंकि ज्यादा बेटर है ये प्रैक्टिकल के साथ।
कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, सभी को गुड डे।